हट जाओ बच्चे। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की नई अध्यक्ष मेरी छोटी बहन कुमारी शैलजा जी, जिनको मैं, जैसे उन्होंने कहा, जब से राजनीति में आई है तब से आज तक जानता हूं। उनके पिताजी और हम इकट्ठे मंत्रिमंडल में थे, हमारी उम्र तो उसमें बहुत छोटी थी। मैं मंत्रिमंडल में 32 साल की उम्र में आया था इंदिरा जी की, और उनसे बहुत प्यार हमें मिला, बहुत प्यार करने वालों में थे, बहुत सेकुलर थे, और उन्होंने भी पार्टी के अंदर या मंत्रिमंडल के अंदर भी हम साथ रहे, अभी तक 2014 तक मिलके हमने काम किया है और ईमानदारी से काम किया। मैं उनको अपनी तरफ से यहां बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन के बीच में कोई भी पद हासिल करना, चाहे वो पीसीसी का पद हो या विपक्ष के नेता के रूप का पद हो, वो बड़ा कांटों का ताज होता है, बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुमारी शैलजा जी और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। मेरे साथी और भाई जिनको मैं यूथ कांग्रेस के जमाने से जानता, पार्टी के अंदर भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने काम किया है, अच्छी छाप डाली है। अभी कुमारी शैलजा जी बता रही थी कि उनके फैमिली का इतिहास हुड्डा जी से नहीं शुरू होता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उससे पहले भी शुरू होता है, और ये दोनों फैमिलीज सब बुरे वक्त में, ये आप आज बुरा वक्त नहीं देखते हैं, कांग्रेस में 47 से पहले और 47 के बाद हर दशक में कोई न 10-12 साल के बाद कोई न कोई बुरा समय आया है, इनके खानदान के लोग हमेशा उसमें साथ रहे और ये भी रहे, दोनों को बधाई देता हूं। और हुड्डा जी को जो अनुभव है संगठन का भी और सरकार का भी, उसका उपयोग एक दफा इनको फिर करना होगा। क्योंकि शायद अगली बारी तो भूपिंदर जी और हम दोनों रिटायर हो जाएंगे। अरे सुनो भाई, अब ये नारे बारे मत लगाओ, ये बीच में थोड़ा 5-7 मिनट है, शायद अगले इलेक्शनों में भूपिंदर जी और हम दोनों रिटायर होंगे तो आगे चलाना है दीपिंदर को, और शैलजा जी तो आप बहुत लंबी चलेंगी, इनको तो चलाना ही है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे चलाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जाते जाते हुड्डा साहब एक धक्का ऐसा दीजिए कि सरकार में आ जाए, और ये जो जोड़ी है बहुत अच्छी जोड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से इन दोनों की अनाउंसमेंट हो गई है, मेरे घर में इतने एप्लीकेंट्स की जगहें हुई हैं, जगह रह नहीं रही है जो कि पहले नहीं थी। तो किसी भी स्टेट में माहौल ठीक है, वातावरण ठीक है कि नहीं, जो हम लोग दिल्ली में राजनीति करते हैं और विशेष रूप से लंबे सर से टिकटें बांटते आए हैं और एप्लीकेशन लेते आए हैं, हमारे पास भी एक थर्मामीटर होता है किस राज्य से कितने लोग टिकटें मांग रहे हैं और कब मांग रहे हैं और किस नेतृत्व में मांग रहे हैं, तो उसका नब्ज हमें ठीक पता चलता। तो अभी वो जो 2-3 से टिकटें मांगने वालों की
संख्या है एकदम शूट अप हो गई है, जैसे बुखार हो जाता है 97 से एकदम 106 हो जाता है, तो अभी 106 पर पहुंच गया। अब इसको आपने कायम रखना है। हमारे पास बहुत अनुभवी लीडर है, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे विधानसभा के एमएलए। मैं देख रहा हूं कि देश के अंदर हर प्रदेश किस तरह से पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तरह की लालच, मैं उसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं कहानियां सुनाऊंगा, कर्नाटक के अंदर जब मैं 1.5 साल पहले सरकार बनाने गया था, किस तरह की लालचें, या दूसरे स्टेटों में किस तरह की लालचें विपक्ष के एमपीज को और विधायकों को दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहां के विधायक टस से मस नहीं हुए। मैं इनको पूरे देश की तरफ और कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। तकलीफें होती हैं, आपस में बीच में मतभेद रहते हैं, लेकिन उस मतभेद को इन्होंने बुरा न समझ के पार्टी नहीं छोड़ी। हमारे 3 स्पीकर एक्स स्पीकर हैं, उनको भी बधाई देता हूं। पंजाब के यहां पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे बुजुर्ग और हमारे पिता समान और भाई समान भी, बलराम जाखड़ साहब के बेटे सुनील जाखड़ जी यहां हैं, पवन बांसल जी हमारे यूथ कांग्रेस से लेकर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम सब इकट्ठे रहे, ये सब ने, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको संगठन में जगह नहीं मिलती, बहुत सारे लोग हैं जो विधायक नहीं बनते, जो जनशक्ति वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनते, जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और मेंबर नहीं बनते, बोर्ड के कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मेंबर नहीं बनते, लेकिन मैं कई चेहरे ऐसे देखता हूं कि वो भी 40-50 साल से मिले कुछ या न मिले यहां कांग्रेस में बैठे हैं, रहे हैं, काम करते हैं। कभी कभी हमसे बड़ी गलतियां हुई और शायद वो पाप भी हमको लग जाता है कि हम सत्ता में आते हैं तो अपने अपने वालों को ढूंढते हैं, लेकिन जो गरीब या जो वर्कर काम करता है उसको कोई नहीं पूछता। हम भेदभाव से करते हैं, जातिवाद से करते हैं, लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं, अगर हमारी सरकार बनी तो इस दफा जरूर हम ये वादा कर जाते हैं कि कोई भेदभाव के नाम पर, कौन किस लीडर के कितना नजदीक है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी कास्ट क्या, उसके आधार पे इंसाफ नहीं बांटा जाएगा बल्कि उसके काम के आधार पे इंसाफ बांटा जाएगा। जो सक्रिय होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी जान दी है, तन मन और धन से काम करते आए हैं, और जो अगले एक महीने और 1.5 महीने में उसी तेजी से, उसी गर्मजोशी से, उसी मेहनत से, उसी लगन से काम करेंगे, ये उनकी कांग्रेस पार्टी होगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। जहां तक मैं, हमने 6 दिन की यात्रा की थी, हमारे साथियों को आत्मविश्वास जरा कम था, मैंने 1 महीने की यात्रा कहा था, लेकिन हमारे किसी साथी ने नहीं कहा, कोई एक ग्रुप की मैं बात नहीं, सब ने कहा बिल्कुल नहीं करनी, तो मैंने कहा भाई 1 हफ्ते की तो करो, अब जब 6 दिन की कही तो कहा नहीं, ये तो 2 महीने की करनी चाहिए थी, क्योंकि वो फार्मूला मैं कर चुका था। 1998 में मैं वो यात्रा 11 महीने की किया था,
कर्नाटक के अंदर, तो हमने पार्लियामेंट और विधानसभा स्वीप किया था। वो यात्रा में केरला में किया था 2000 में, और तमिलनाडु और पांडिचेरी में तीनों स्टेटें हमने स्वीप की थी तमिलनाडु अलायंस के साथ, और फिर 2003 और 4 में आंध्रा में किया। हमारी लोकसभा की सीटें 5 थी और विपक्ष की बीजेपी की 37 थी, हमारी विधानसभा की सीटें 40 थी। लेकिन वहां मैंने 15 महीने वो यात्रा किया, और 15 महीनों में मैं खुद दिल्ली 2 दिन आया और हैदराबाद सिर्फ 2 दिन गया। 15 महीने वो यात्रा रही, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। और पार्लियामेंट की सीटें हमारी 5 से बढ़के 37 हो गई, और 40 से हमारी विधानसभा की सीटें 184 हो गई। और उन्हीं 37 सीटों में से यूपीए गवर्नमेंट बनी। अगर हमें वही 5 होती तो हम एनडीए से 18 सीटें कम होते, तो वो 37 आ गई, तो हम 15 सीटें एनडीए से ऊपर हो गए। तो मेरे अनुभव था, लेकिन हमारे साथियों का नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नहीं, लेकिन जब खत्म हो रहा था तो कहा अब दोबारा हो जाए, लेकिन तब तक लोकसभा हमारे सर पर पहुंच गया था। देखो आगे वक्त आएगा, शैलजा जी अध्यक्ष हैं, वो सीएलपी लीडर हैं, इलेक्शन के बाद जो अच्छा मौसम होता है यात्रा के लिए वो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च होता, क्योंकि ठंडा होता है, प्यास भी नहीं होती, चल भी सकते हो, गाड़ी में भी चल सकते हो, वो यात्रा हम करेंगे सत्ता में या आके यात्रा करेंगे, वो पार्टी को बनाने के लिए वो यात्रा करेंगे। आज मैं आखिर में, क्योंकि समय नहीं है, आप सबसे यही निवेदन करूंगा, कोई ग्रुप नहीं है, जिनसा जो साथी पहले ऑफिस बेयरर थे, चाहे अशोक जी और किरण जी थे, जैसे हमारी पीसीसी के अध्यक्ष ने बताया कि जितनी उनकी क्षमता थे उसके अनुसार उनने काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और संगठन ऐसा होता है, कोई भी एक पद पे हमेशा नहीं रहता, कभी न कभी तो बदलाव होता रहता है, इसमें से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कितने पीसीसी प्रेसिडेंट और कितने स्पीकर यहां हैं, एक्स स्पीकर, कितने मंत्रिमंडल है। अगर हम पार्टी में बदलाव ही नहीं लाएंगे तो फिर तो कोई बन ही नहीं पाएगा। तो जब भी कोई बदलाव आए किसी पद का, तो उसे स्वागत करना चाहिए, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो इस बात का मानने वाला हूं कि हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद पद की तब्दीली होनी चाहिए। कभी कभी हम इसलिए कमजोर हो जाते हैं कि एक ही पद पे जड़ें डालते हैं, अगले का पता ही नहीं चलता। अब आपने देखे ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की, किसी जरा बंदूक वाला हटो भाई पीछे, एनएसजी वाले, वो लड़कियों के सामने मत बैठो, अरे आप सभी अगर दाएं बाएं बैठोगे तो बेचारे वो बेचारी लेडीज को गर्दने कहां कहां से निकालने। आप देखेंगे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर डीसी को, एसपी को, हर सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट का हो, दूसरे साल ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हर आदमी की जो क्षमता होती है, जो एनर्जी होती है एक जगह काम करने की, वो 2-3 साल से ज्यादा नहीं होती, फिर उसको चेंज चाहिए। एक स्टेट में भी अगर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज 20 साल रहेगा तो कुछ नहीं करे, हां 2 साल के बदलोगे तो बहुत फायदा है। तो हमें इसको कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई क्यों बदले, ये बदलना ठीक है। और इतनी बड़ी पार्टी है, यहां हर आदमी को हम किसी पद पर बिठा के फेंक नहीं देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं और उसको दूसरा कोई पद देते हैं। तो मैं आप सबसे संगठन, एक मैं बात यहां बताना चाहता हूं कि निराश आपको होने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो सीनियर लीडर होते हैं, अधिकतर, इस दफा हम प्रयास करेंगे कि सभी 36
मैं सुनते आया हूं कि 36 बरादरियां कोशिश की जाएगी कि हर बरादरी के व्यक्ति को कोई ना कोई टिकट मिले, हर वर्ग को भी टिकट मिले, महिलाओं को टिकट मिले। मैं पहला शायद जन सकती हूं कि जिस जिस स्टेट में मैं रहा हूं उसमें मैंने 33% रिप्रेजेंटेशन संगठन में दी है महिलाओं, तो वो भी कोशिश करेंगे, युवकों को भी। लेकिन अधिकतर जो लीडर हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो अगर हम संगठन अभी बनाएंगे, चाहे वो वर्किंग प्रेसिडेंट की बात हो, जनरल सेक्रेटरी की बात हो, या वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात हो, तो मैं इस मत का कभी नहीं हूं, मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूं कि इलेक्शन लड़ने वाला इंसान पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। वो उसको पद का तो उसको फायदा होगा, लेकिन पार्टी को क्या फायदा? अब शैलजा जी इलेक्शन लड़ेंगी अभी विधानसभा का, इनको तो फायदा होगा, लेकिन पार्टी को क्या फायदा? ये तो जाके बैठ जाएंगी विधानसभा में। तो अब प्रेसिडेंट का काम है घूमना फिरना, या तो ऐसा प्रेसिडेंट हो को जो जाए नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में तो भी जीत जाए, या कोई लीडर, कोई एमएलए या कोई वाफिस बेयरर हो या वर्किंग प्रेसिडेंट हो कि भाई उसके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सीनियर लोगों की जगहें हम बाद में इलेक्शन के बाद उसको हम इलेक्शन कमेटी बनाएंगे। अभी छोटी सी कमेटी जो काम चलाओ इलेक्शन के लिए होगा, जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो जरूरी अनिवार्य कमेटियां हैं, अनिवार्य होता है इलेक्शन कंपेन कमेटी बनाना है, मैनिफेस्टो कमेटी बनाना है, वो उस वक्त बनेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां हों या पीसीसी की कमेटियां हों, जिन्होंने आगे जाके अगले 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन से पहले लोकसभा की 10 सीटें जीतनी है, वह हम इस इलेक्शन के बाद करेंगे। और मुझे एक दफा पूरा विश्वास है कि आप सबका समर्थन हमारी छोटी बहन शैलजा की जी को होगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सीएलपी के लीडर भी हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इन दोनों को आपका बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। ये मिल के काम कर रहे हैं और उतना ही सहयोग आपका भी होगा इनको आगे ये स्टेट जिताने के लिए। स्टेट जीत जाएगी तो वो खाली इन दो की जीत नहीं है, वो हरियाणा के सब किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, सबकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।